गया के नगर निगम शास्त्री नगर वार्ड नंबर 10 में रहने वाले लोग नरकी जीवन जीने को बेबस व लाचार हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई वर्षों से इसी गंदी नाली के पानी में रहने को बेबस और लाचार हैं। आज तक किसी भी अधिकारियों के द्वारा समस्या से निदान नहीं कराया गया है, जो कि हम लोग कई बार अधिकारियों को आवेदन देकर समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कान में तेल डालकर अधिकारी सोए रहते हैं और ऑनलाइन समस्या दर्ज कराने की अक्सर बात करते रहते हैं। हम लोग अपना समस्या आवेदन लेकर शिकायत दर्ज कराया, लेकिन कई वर्ष बीत गया, समस्या उसी स्थिति में है। बच्चे का स्कूल भी आना जाना बाधित हो रहा है। कई तरह की गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आ गए हैं, लेकिन आज तक न पार्षद न निगम के अधिकारियों द्वारा समस्या का निदान कराया गया है, जिससे हम सभी लोगों का जीवन नरकी गंदी नाली के पानी से हो रहे वातावरण प्रदूषित में जीवन बसर करने को मजबूर है। इस मोहल्ले में अक्सर जहरीले कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू जैसे देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस समस्या से निजात नहीं दिलाई है। लगातार नगर निगम द्वारा टैक्स लिया जाता है और विलंब करने पर फाइल के साथ टैक्स भरने का नोटिस भी जारी किया जाता है। तभी समाजसेवी गुड्डू बर्नवाल ने बताया कि गया नगर निगम नहीं नरक निगम कहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि गया शहर में कई वार्डों में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न अक्सर देखने को मिलती रहती हैं, जिससे सभी जनता की समस्या को स्वयं आवेदन लिखकर वरीय अधिकारियों को समस्या से अवगत कराकर निदान कराने का काम कई महीनों से कराते आ रहे हैं और यह भी संकल्प लिया कि वार्ड नंबर 10 का भी समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे और नहीं होने पर हस्ताक्षर अभियान कर गया समस्त अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। नंबर 29 में इस पॉश कॉलोनी सबसे स्लम एरिया में है और यहाँ सालों भर जलमग्न रहता है। यहाँ के बच्चे को स्कूल आने जाने में, कोचिंग आने जाने में काफ़ी असुविधा का करना पड़ता है। अब उसके लिए गार्जियन को अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से समय निकाल करके बच्चों को पहुँचाना पड़ता है कोचिंग में। यहाँ के काफ़ी लोग बैंक में काम कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, उनको जाने में दिक्कत होती है, वहाँ बच्चों को क्लास बाधित होती है। कई बुजुर्ग जो हैं वो बीपी से परेशान हैं, कई रोगों से परेशान हैं, उनको डॉक्टर पास चेकअप कराने में बहुत ही असुविधा का खेद होता है और उनके साथ काफ़ी है। यहाँ के लोग सारे टैक्स पे हैं और सभी कानून के बंधन में रहने वाले लोग हैं और इन लोग काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी जगहों पर अपने गए, जहाँ जहाँ थे उनके दरवाजे पर दस्तक दिए, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुई है। बाध होकर के आज आप लोग के बीच में इन लोगों को बात करना पड़ रहा है और हम भी सरकार से, नगर विकास मंत्री से और यहाँ के नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दिया जाए, जिसका टैक्स दिया जा रहा है उसका सुविधा मिलना चाहिए। उन्होंने भी बताया कि वार्ड नंबर 29-53 में जो है सबसे बड़ा वार्ड है, 18,000 आबादी यहाँ है। देख ही रहे क्या स्थिति है 3 दिन पहले का, और ये रोड नंबर 10 है शास्त्री नगर का। आप मेन रोड से जो इस इन कीजिएगा तो शायद ही ऐसा कोई मकान आपको दिखेगा, देखते ही आप समझ जाएगा कि पॉश कॉलोनी है। यहाँ के ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सभी शिक्षित हैं, कोई रिटायर इंजीनियर है, कोई अभी मौजूदा इंजीनियर है, कोई व्यापारी तो शहर के 1 to 10 में टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर है, ITR का, लाखों में नहीं 1 to 10 में टैक्स पे करते हैं। कि पॉश कॉलोनी है, निश्चित यहाँ के बच्चे जो है DAV DPS में पढ़ते हैं, उन शिक्षित बच्चों को इस नाले में होकर के जाना पड़ता है। के अंतर्गत ये शास्त्री नगर पश्चिम रोड नंबर 10 है, ये गया नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है और इस वार्ड के अंतर्गत सबसे स्लम एरिया शास्त्री नगर रोड नंबर 10 है। यहाँ सालों भर रोड में जलमग्न रहता है और पानी से सड़ जाने के कारण पूरा बदबूमय पानी हो जाता है, सभी के घरों में मच्छर और कई कीटाणुओं का प्रवेश हो जाता है। कई बार यहाँ बच्चे भी बीमार रहते हैं और स्कूल तो कम जाते हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान नाली का है, ये देख ही रहे हैं, बोल रहे हैं मतलब बदबू आ रहा है, बोलने लगा कि यहाँ स्थिति यहाँ पर खड़ा होकर नहीं है। हम लोग घर में खाना भी खाते हैं तो पहले जो है ना खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि बदबू नहीं आए। खिड़की दरवाजा बंद करके खाना खाते हैं, ऐसा स्थिति हो गया। हाँ, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। बहुत दिक्कत हो रही है। रोड नंबर 10 शास्त्री नगर के हम निवासी हैं और हमारे घर के अंदर भी पानी अंदर आ जा रहा है चैम्बर के माध्यम से, और पूरा जाने आने में दिक्कत हो रहा है। एकदम लास्ट मकान होने के कारण और ज़्यादा हमको दिक्कत हो जा रही है। कब से ऐसा? एक बार ये हो रहा है सर, दो तीन साल हो गया है लगभग। एक पिछले साल तो हमारी बेटी भी गिर भी गई थी तो हाथ फ्रैक्चर भी हो गया था यहीं पे पानी में ही। जो यहाँ जो स्थानीय बाढ़ पार्षद उसके द्वारा हाँ दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।